हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मियन किचन। आज हम बनाने वाले हैं शाम की छोटी मोटी भूख के लिए चटपटे जीरा आलू। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो जीरा आलू बनाने के लिए हमने लिए है 4 बॉइल्ड आलू और इस टाइप से हमें इन आलूओं को काट लेना है। तो आलूओं के हमने पीसेस कर लिए हैं और अब हमने रख दी है गैस पर एक कढ़ाई। इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच साबुत धनिया और आधी चम्मच जीरा। इन्हें हमें हल्का सा भून लेना है। तो ये भून गए हैं, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं और अब इसे हमें दरदरा सा कूट लेना है। तो इसे हमने दरदरा सा कूट लिया है और अब हमने वापस से गैस पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में डाल देते हैं ऑयल। ऑयल को गरम होने देते हैं। तो ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम फ्राई करेंगे मूंगफली। मूंगफली फ्राई हो चुकी है और इसे हमें निकाल लेना है। अब हम उसी तेल में डाल देते हैं 1 चुटकी हींग, आधी चम्मच जीरा, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे हल्का सा भून लेंगे। सो ये भून चुका है, इसमें डाल देते हैं कटे हुए आलू। इन आलूओं को भी हल्का सा भून लेंगे। डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक को आलूओं में अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इन्हें हल्का सा भून लेते हैं। तो ये आलू हल्के से भून चुके हैं और अब इसमें डाल देते हैं आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और इसमें डाल देते हैं कुटा हुआ धनिया और जीरा। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं और 1-2 मिनट और भून लेते हैं। तो जीरा आलू बनकर तैयार है और अब हम इसमें डाल देते हैं फ्राई करी हुई मूंगफली। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चटपटे जीरा आलू बनकर तैयार है। आप चाहे तो इन्हें व्रत में भी खा सकते हैं, बट अगर व्रत में खा रहे हैं तो हींग का इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।